wishes, Dimohan. Hi. Thanks, darling. My pleasure. Thank you. Happy Freshers Day. अरे ये क्या है यार? लिली दे रहे हो? ताकि अपनी फ्रेंडशिप सिली ना हो जाए. ओह अच्छा. थैंक यू यार. वेलकम. हाउ इज इट? फाइन. ये फूल भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत है. हाय चंद्रकला. हाय महेश. बचपन से चल रही हमारी दोस्ती हमेशा सदाबहार रहे. क्यों? इसमें कोई डाउट है? जब तक हम दोनों जिंदा हैं इसी तरह दोस्त बनके रहेंगे. ओके. थैंक यू. ओके चलता हूँ. बाय बाय. हाय. बैठो. कला तुमने शादी की बात चलाई? हाँ पर हिम्मत नहीं है. तुझे? नहीं लड़के में. ये बता एक बॉयफ्रेंड कैसा होना चाहिए? मुझसे मार खाने में और खाना बनाने में एक्सपर्ट होना चाहिए. क्या बात है. ए, कैसा है गोपी? अबे मैं सीनियर हूँ गोपी भाई, बुलाया करो. सीनियर है तो क्या हुआ, तेरा आंसर पेपर तो मैं ही लिख के देता हूँ. तू भी ना. वैसे अपना लाला नजर नहीं आ रहा है. यही कहीं होगा. लाला बोलता है. अबे सालो मेरा पूरा नाम प्रकाश कुमार श्रीवास्तव है. मैं कन्याओं के तन बदन को प्रकाश से उज्जवल करता हूँ. अरे तू क्या उज्जवल करेगा, तेरी शक्ल से पता चलता है कि तू तो लुच्चा है. थैंक यू. यार तेरी मोहब्बत कहाँ तक पहुँची? पार तक आके अटक गई है यार. रूम में बुलाता तो आती नहीं है. पार पे तूने कुछ किया होगा? कुछ नहीं किया, शायद इसलिए नहीं आती है. एक काम कर. आज शाम को मल्लिका शरावत के पीछे ले जाकर दिखा, उसका रवैया बदल जाएगा. तब भी इसको कुछ नहीं होगा. थैंक यू. हाय हाउ आर यू? अरे मोहन चलना. ये क्या कर रहा है? अरे चलना यार. थैंक यू. अरे प्लीज छोड़ना यार. थैंक यू. चल. अरे चल. हाँ चल. अरे यहाँ पर तेरी कमी है यार. तुम लोग अलग से क्यों खड़े हो? अरे कब से तेरी राह देख रहे हैं यार. और प्रकाश अभी से बैंड बजा लेके खड़े हो गए? बात है बंधु, बताता हूँ. डियर सीनियर्स एंड जूनियर्स, आज फ्रेशर्स डे है. कॉलेज का ये पहला दिन सबकी जिंदगी का एक अहम दिन है. मतलब की बात कर मोहन. सीधे मतलब पर आता हूँ. इस फ्रेशर्स डे को यादगार बनाने के लिए तुम लोगों को गाना चाहिए या डांस चाहिए? दोनों चाहिए मोहन. बाप रे, मोहन सीएल को देख के मुझे ऊपर से नीचे तक कुछ कुछ होने लगता अच्छा? है. अच्छा ये सीएल का मतलब क्या है? चल जा, मुझे शर्म आती है. मोहन तू रात को हॉस्टल आने वाला था लेकिन आया नहीं. मदन के साथ फिल्म देखने गया था यार, बाद में उसी के साथ उसके घर चला गया. अरे कल हॉस्टल में हम सब पिकेट टून हो गए. मोहन साला फेंक रहा, ये पिकेट टून नहीं हुआ था, उल्टी करके टून हो गया था. हाय मोहन. बाय महेश. बाय. बाय. हां बस आ रहे हो ना? ओके ठीक है. बाय. क्यों चंद्रकला, महेश के साथ चक्कर चल रहा है? अरे क्या? ये क्या यार, एक लड़का और लड़की को साथ देख लिया तो सिर्फ प्यार ही है क्या, और कुछ नहीं? Point. तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा और कुछ नहीं सोचता है क्या? We are just friends यार. अच्छा? अगर ऐसी कोई बात महेश के मन में होती तो वो खुद ही बता देता यार. खुराफा दिख रही यार. ये थियरी का क्लास बहुत बोरिंग है यार, पता नहीं एक घंटे कैसे काटूं वहां पे बैठा नहीं जाता यार. मोहन अरे ये क्या, देख के भी बिना देखे जा रहे हो? तुम मुझसे बात मत करो. क्यों? तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ. ए जीनियस भाई, पिछले 3 सालों से कोई अनजान शख्स मुझे स्पॉन्सर करके मेरी फीस भर रहा है ना? हाँ. वो कौन है पता लगा के तुम मुझे बोलने वाले थे, लेकिन तुमने अब तक मेरा ये काम नहीं किया. सॉरी मोहन, मुझे अपनी डुप्लीकेट डिग्री की कसम है, मैं इस राज का पर्दाफाश करके ही रहूंगा. अच्छा ये बता, उस दानी का पता लगा कर तू करेगा क्या? जीनियस भाई, आजकल के जमाने में सगा भाई भी अपने भाई के काम नहीं आता, और मुझे कोई भी रिश्ता न रखने वाला ये शख्स 3 साल से मेरी मदद कर रहा है. मैं उसे एक नजर देखना चाहता हूँ. शाबाश मोहन, तूने सही कहा, इस बार पता लगा ही लूंगा. ओके जीनेश भाई, भूलना मत. मे कम इन. क्यों इस तरह शोर मचाए? इसे डीटीएस कहते हैं सर. ओहो, डीटीएस यानी डिजिटल थिएटर सिस्टम, यही समझ रहे ना? बिल्कुल नहीं. डीटीएस यानी डेयरली टेलिंग स्टूडेंट्स. ओके सर. खुशी हुई, खुलकर बताने वाले स्टूडेंट्स मुझे बेहद पसंद है. अच्छा बट सीएल क्या है? ओहो, और ये पहनकर आते उसका कमीज. इसकी रचना करने वाले महाकवि कौन है? तुम जिगर वाले मर्द हो. आप सोच रहे कि मैंने लिखा, छोटा सा ट्विस्ट, मैंने नहीं लिखा, कहने के लिए उठ गया हूँ. That's all. तुम सिर्फ जिगर वाले ही नहीं गुर्दे वाले भी हो सर. तुमने नहीं लिखा मैं जानता हूँ. करेक्ट सर. तो फिर क्यों खड़े हो गए? इसने नहीं लिखा, बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ. सर तुम क्यों खड़े हो गए मैं समझ गया, ये दोनों नहीं लिखे ये कहने के लिए खड़े हो गए ना? नहीं सर, ये मैंने ही लिखा है ये बताने के लिए खड़ा हुआ. सचमुच के डीटीएस तुम ही हो, बैठ जाओ. अरे गोपी सर, पिछले एग्जाम्स में मेरे वाले सब्जेक्ट में तुमने बहुत कम मार्क्स लिया है ना? हाँ सर. उसके लिए तुम्हारे डैडी ने तुम्हें डांटा नहीं? जोर जोर से डांटे हैं सर. बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने. लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है सर. वो क्या है? उन्होंने मुझे नहीं डांटा, मुझे पढ़ाने वाले आपको. तुम सारे लड़के कम मार्क्स लिए हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती?
कम मार्क देने वाले आपको शर्म नहीं है तो हमें शर्म किस लिए सर? दिल खोलकर सच्चाई बता रहे हो, मेरे पाठ पढ़ाने में तुम लोग बोर हो गए इसलिए हम कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कहाँ चले आप? दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो मैं यहाँ क्यों रहूँ सर? आप बात कीजिए, मैं चलता हूँ। नरेश तो एकदम सिंसियर स्टूडेंट है। तुम फिर से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो? आपने जो सैलरी दी खत्म हो गई सर। इतनी जल्दी खत्म हो गई मतलब विनायक चतुर्थी के मौके पर हमारे मोहल्ले के गुंडे आकर जबरदस्ती पैसे छीन ले गए। मुझे आपने बुलाया? बुलाने के लिए बजाय है, जाकर दो कप चाय ले जाओ। सर इन गुंडे मवालियों ने जीना हराम कर दिया है, उनको चंदा देने के लिए कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ता है। एक या दो पता नहीं इनको कैसे ठिकाने लगाए। विधि, कैन यू डेयर टू डू वन थिंग? 2 लाख लोगों को इकट्ठा करके उन्हें खत्म कर दो। हाँ। अरे बाप रे, ये वाकई जीनियस है। राइट सर, इसकी बात पर अमल कीजिए आप। अभी चाय बांट रही हो, बाद में? पहले शादी, बाद में बंटवारा। ए, इसके साथ सब कुछ बांटने का हक तुझे नहीं है बे, मुझे है। अरे उधर देख। प्योरी, मैं तेरे साथ बिस्तर बांटना चाहता था, तू यहाँ इसके साथ चाय बांट रही है। मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, बस एक रात मेरे साथ गुजार ले, बाद में किसी के साथ तू कुछ भी बांट ले। ए नरेश, ये दोनों लवर्स हैं, ये तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, फिर उन्हें तंग क्यों करते हो? अरे तूने ही तो कहा था कि वो दोनों प्यार कर रहे हैं। उसके बावजूद उसे पाने के लिए नरेश किराए के गुंडे लाए हैं। नरेश, ये क्या जबरदस्ती है? मैं प्रिंसिपल को रिपोर्ट करूंगा। नरेश, हम सब स्टूडेंट्स हैं यार, सब एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बेवजह लफड़ा मत कर, चाय यहां से। अगर नहीं गया तो तुझे गुस्सा आएगा ना? हाँ यही ना? अच्छा हाँ। नरेश आखिरी बार बोल रहा हूं, इसी वक्त बाहर निकल जा। नरेश, इसे यहां सरेआम नंगा करूंगा। छोड़ दो। क्या कर लेगा तू? छोड़ दो नरेश। नरेश तू लवर्स के बीच आ गया, पहली गलती समझ के माफ किया, दीपा पर हाथ लगाया, दूसरी गलती समझ के माफ किया, अपने रवि को मारा, तीसरी बार भी माफ किया, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच एक मासूम लड़की को नंगा करना चाहता है तू, क्या ये माफी के लायक है? बिल्कुल नहीं है। फ्रेंड्स चलो सब क्लास चलते हैं। अरे मोहन तू क्यों नहीं आ रहा? ए तू जाना। ए रुक, पहले बॉटल वहां रख। रखना, इस बॉटल की कीमत जानता है तू? अब तू मुझे उससे मारेगा तो बॉटल टूट जाएगी, तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा? बोलना। इनकी तरह तुम दोनों भी कॉलेज स्टूडेंट्स नहीं हो, मैं जानता हूं, मैं तुमको भी इन लोगों की तरह मारूंगा तो हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए कौन बचेगा? जाके ले जाओ सबको। जा ना तेरी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप।
आजकल कोई किसी की मदद ही नहीं करता। बेकार में मैंने उसे गलत समझा, वो तो मुझे लेने आ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जीप खामोश क्यों हो गई? क्यों साहब, ये दोनों उधर क्यों गए? ओ, दोनों गाड़ी को धक्का देने के लिए उतर गए हैं। स्टार्टिंग ट्रबल है क्या? ओके सर, ढकेल देता हूँ। आई विल डू इट, डोंट वरी। हाँ भी लगाओ। गाड़ी है या खटारा? स्टार्ट लीजिए सर, स्टार्ट लीजिए, जोर से, जोर से स्टार्ट लीजिए सर, स्टार्ट कीजिए सर। ये फेंके पहन गाड़ी है। स्टार्ट कीजिए सर। क्यों साहब, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है? इंजन रहेगा तब तक स्टार्ट होगी। इंजन नहीं है तो ढकेलने के लिए क्यों कहा? मुझे घर जो पहुंचना है, कल वहीं रहना, मैं ठीक टाइम पर आ जाऊंगा। तू अपने घर तक पहुंचने के लिए मुझसे 10 किलोमीटर धक्के दिलवाया? ओके, तू अपने आप को बहुत जीनियस समझता है, देख लेता हूँ। समझ ले, तू गया काम से, तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मोहन, ए मोहन, अपने रवि को उस गणेश के गुंडे उठा ले गए यार। पिछले साल भी उसने रमेश को इस तरह ले जाके उसका हाथ पैर तोड़ के फेंक दिया था। मोहन, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है यार। हम दोनों की वजह से पूरे कॉलेज की बदनामी हो जाए, ये मुझे मंजूर नहीं। जब तक मैं ना बोलूं, तुम इसे खुद कोई एक्शन नहीं लेगा, ओके? Hey!
रवि देखो, तुम लोगों से मैं फिर से कह रहा हूं, यहां चाहे कुछ भी हो जाए कोई बीच में नहीं आएगा। हेलो शैलजा, कम कम कम, प्लीज टेक योर सीट। हेलो अंकल, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। ये लीजिए अंकल, 25 गरीब स्टूडेंट्स के लिए स्पॉन्सरशिप। शैलजा, तो ये मुकदमा है फी देने वाली। अच्छा काम करते हो और नाम रख। मोहन, वैसे तुम पिछले 3 सालों से गरीब स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर कर रही हो, कम से कम इस साल तुम्हारा नाम अनाउंस करूं मैं? प्लीज नहीं अंकल। लेकिन तुमसे मदद पाने वाले स्टूडेंट्स तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। नहीं अंकल, ये डोनेशन मैं पब्लिसिटी के लिए नहीं दे रही हूँ, अपनी खुशी के लिए दे रही हूँ। hey, मोहन को तुमने कहीं देखा? नहीं, तुम्हें अगर दिख जाए तो मुझे बताना। ओ, मजाक कर रहा है? नहीं तो चल मेरे साथ। मेरे बारे में तू जानता है ना? हाँ जानता हूँ। जानने के बाद में मजाक कर रहा है? कैसा मजाक? चल अंदर। शैलजा, तुम हर साल इस तरह फीस क्यों भरती हो? कम से कम इसकी वजह मैं जान सकता हूँ? ऑफ कोर्स अंकल। थैंक यू। आप नहीं जानते, मैं अंदर ही अंदर पश्चाताप की आग में जल रही हूँ। काश इस डोनेशन से वो आग थोड़ी बहुत भी बुझ जाए। देखो बेटी, सद्भावना जो है परंपरा से ही मिलती है। लेकिन ये सद्भावना मुझे अपने घर वालों से नहीं मिली, ये मुझे मिली है किसी और से। Who is he? मोहन यहाँ है। इनफैक्ट मैं खुद उन्हें नहीं जानती, लेकिन उनसे मुझे जो इंस्पिरेशन मिली है, जिस
इसकी वजह से मेरे सोच विचार बदल गए हैं। Is it? अंकल, इसी की बदौलत उस अनजान शख्सियत की मैं हमेशा तह दिल से एहसानमंद रहती हूँ। मैं चलती हूँ अंकल। थैंक यू बेटी, गॉड ब्लेस यू। बाय। इतने भी क्यों उतावले हो? टकराने के लिए मैं ही मिला क्या? अरे टकराने को मार गोली। कितने देर से तुझे ढूंढ रहा हूँ पता है? अरे जानता है वो लड़की मिल गई। मैंने किस लड़के को ढूंढने के लिए कहा था? अरे समझा कर यार, उस फीस भरने वाले को तू ढूंढ रहा है ना? हाँ। वो वही लड़की है। वो अरे अब क्या करूं, वो तो गाड़ी में बैठ गई। मतलब कॉलेज में गरीब स्टूडेंट्स की स्पॉन्सरशिप एक लड़की करती है? ये जिनिस भाई अच्छा क्लू मिल गया है। हाँ। तुम फिर कभी उस लड़की को देखोगे तो पहचान जाओगे। बिल्कुल फिक्र मत कर मोहन, मैं उस लड़की को आसानी से पहचान लूंगा। बस के सफर में भी एक अलग थ्रिल है कुसुम। रियली आई एम एंजॉयिंग इट। अच्छा ऐसा नहीं। कैसा नहीं? जहाँ तुमने पकड़ा वो कमर मेरी नहीं, या फिर पकड़ने वाला ये हाथ तुम्हारा नहीं? हाँ, कैसा नहीं? आखिर तुम करते क्या हो? बीकॉम पास हूँ। कहाँ जा रहे हो? इंटरव्यू के लिए। ओह, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो? वहाँ पर क्या पूछने वाले हैं तुम नहीं जानते? हाँ, तुम्हारे माँ बाप तुमसे कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं ये भी तुम नहीं जानते। हाँ, वहाँ तुम्हारे माँ बाप कम से कम ये नौकरी मेरे बेटे को मिले कहकर मन्नतें मांग रहे होंगे, और तुम यहाँ पर जवान लड़कियों के कमर नाप रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ बस में लड़कियों पर जो ध्यान लगाते हो, वो ध्यान इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों पर लगाया करो। यहाँ पर लड़कियों पर दिखाए जाने वाले क्रेज को जिंदगी में अपनी मंजिल पाने के लिए दिखाओ। बस में अकेले सफर करने वाली लड़कियों के फिगर पर कंसंट्रेट करने के बजाय अपने करियर पर कंसंट्रेट करो। तुमको लेकर तुम्हारे माँ बाप लाखों सपने देख रहे होंगे, उन सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी तुम पर है, सिर्फ तुम पर, और तुम कामयाब हो जाओगे। और उस दिन मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियाँ तुमसे दोस्ती करने के लिए आपस में लड़ मरेंगी, पता है? I'm very, very sorry. I'm extremely sorry. आइंदा ऐसी हरकत मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। ओके माय फ्रेंड, इंटरव्यू में कामयाब हो। ऑल द बेस्ट। अब समझ गया बेटा। ए मोहन, बहुत देना मुझे। ए, अंदर जाके पुजारी से ले लेना यार। क्यों, तू नहीं देगा? नहीं रवि, प्रसाद, तीर्थ जल और भभूत ये सब परम पवित्र है। अच्छा, ये बांटे नहीं जाते। आहा। अंदर जाके ले ले बच्चा। मैं समझ गया बच्चा।
वो लड़की है ना, वो मेरी फ्रेंड प्रमिला है, उसे कहूँ मैं बुला रहा हूँ। ठीक है भैया। प्रमिला दीदी, आपको आपके दोस्त बुला रहे हैं। हाँ, मैं प्रमिला नहीं हूँ, मेरा नाम शैलजा है। अच्छा, मतलब नाम शैलजा है। जिनेश भाई, गेट में कोई बेहोश आया। हाँ, इधर आ। मैं कोई एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, जो मुझे बता रहा है, जाके डॉक्टर को बताना। डॉक्टर ही तो बेहोश पड़ा है। आ जाओ यार, ये हमारा सीट है। यार महेश, हमेशा हम लोग फिल्म देखने के लिए लेट ही आते हैं। व्हाट इज सरप्राइज, यहाँ इस लड़की के साथ बैठकर मोहन साहब फिल्म देख रहे हैं। आ, हमें बताए कि नहीं मोहन ने लड़की के पटाए माहौल तक पहुंचा है, ये आगे और बढ़ गया। जानकर तू करेगा क्या, चुप हो जाना। उन्हें डिस्टर्ब मत कर यार, वो अब सिनेमा हॉल में नहीं है, कहीं दूर गगन में चले गए। गगन में कहाँ यार, वहां देख। जाने वफा तेरी प्यारी अदा लुट ही गया, मैं तेरे प्यार में ये क्या हुआ। मदहोशी आगे बिछाने लगी, जाने क्या क्या मेरे मन में आने लगी। दिलकश लगे तेरी कम सी उम्र, तेरी आंखों ने ये कैसा जादू किया। तुमसे हुई जिंदगी कैसी अजब सी है ये बेखुदी। छूने से मिलती है मुझको खुशी, कैसी अजब सी है ये गुदगुदी। मस्ती जवानी की जो होता होने दो, मस्ताना मौसम जाओ। कश लगे तेरी कम सिन उम्र, तेरी आंखों ने ये कैसा जादू किया। मदहोशी यादें बिछाने लगी, जाने क्या क्या मेरे मन में आने लगी। जाने वफा, जाने वफा, जाने वफा। तमन्ना मचलने लगी, तुम सा न गिना तो देखा नहीं। तेरी दीवानी को कुछ तो मोहब्बत का, अब तो दिखा दे मजा। दिल तेरा जान तेरी जाने मन तू ले ले, लेना है जो भी मजा। मदहोशी आदि पहचाने लगी, जाने क्या क्या मेरे मन में आने लगी। कश लगे तेरी कम सिन उम्र, तेरी आंखों ने ये कैसा जादू किया। जाने वफा, ओ दिल रुबा। जाने वफा, जाने वफा।
है, इसे देख। आवाज मत कर, वहां देख। उन्हें मत देख, फिल्म देख। ठीक है, फिल्म देखता हूँ। अरे ये क्या, एलिजा मेरे पास बैठी है? अरे नहीं, मैं उसके पास बैठा हूँ, बात करूं? नहीं मोहन, कंट्रोल कंट्रोल, क्या टेंशन है यार। टाइम अच्छा नहीं है, उठ लेते हैं। ए चला चल। टेंशन टेंशन, कंट्रोल मोहन कंट्रोल, ये पब्लिक प्लेस है। हेलो, नमस्ते गुरु। अरे तुम लोग कब आए? तुम लड़के के पास बैठ के मौज कर रहे थे ना, तभी हम आए। ए, ये वही मंदिर वाली लड़की है ना? हाँ यार, फिल्म दिखाने लाया है ना? अरे नहीं, अभी दो मिनट पहले पता चला कि वो मेरे पास वाली सीट में बैठी है। ओके, एनीवे मुबारक हो यार। अरे हाथ मिलाने लायक कुछ नहीं हुआ यार, उस लड़की के नाम के सिवा मैं कुछ नहीं जानता। ए, हम अंदर फिल्म देखेंगे, तू हमें फिल्म में दिखा। अरे मैं सच बोल रहा हूँ यार, पहली बार मैंने उसे बस में देखा, तब उसके अच्छे मन के बारे में पता चला, दोबारा उसे मंदिर में देखा, बस उस लड़की के लिए मेरे दिल में प्यार जागने लगा। ऐसा लगने लगा है कि उसने सिर्फ मेरे लिए ही जन्म लिया है। ए, तू एक काम कर, वैसे भी वो पास वाली सीट में है, तो अपने दिल की बात उसे कह देना। अरे बाप रे, ये मुझसे नहीं होगा। ए, तू नहीं बताएगा तो वो कैसे जानेगी यार? पता नहीं यार। तू सोचते ही रह जाएगा और वो शादी करके चली भी जाएगी। ए, मजाक में भी ऐसा मत बोलना, ऐसा मजाक भी मुझसे सहा नहीं जाएगा यार। तो क्या हुआ कि अगर मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, इतना जानता हूं कि वो मेरी अमानत है, सिर्फ मेरी, अब वही मेरी जिंदगी है और मौत भी। अरे क्यों बे, बिना इंजन की गाड़ी को 10 किलोमीटर तक धक्का लगवाया, अब मैं देता हूं तुझे किक, मामूली किक नहीं, बाहर तो आजा। जय श्री जय हो राखी सावन मलिका सदावत नेहा धूपिया मलाइका अरोरा। भाई साहब, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। कहीं और नहीं देखा साहब, मैंने आपकी जीप को धक्का लगाया तो याद नहीं है क्या? हो उसी आदमी रो रहे हो? उसके लिए मैं क्यों रोऊंगा साहब, वो कौन सी बड़ी बात है? आप तो जानते हैं आखिर आदमी तो आदमी का काम आता है साहब। वेरी गुड, वो तो मैं कभी कभी भूल गया था साहब, वो नहीं साहब, किसी और बात के लिए परेशान हूँ। क्यों रो रहे हो आखिर, बात मेरे एक दोस्त है साहब, वो कोई जरूरी काम है क्या के मुझसे 10,000 रुपए लिया था साहब। अच्छा, मैंने अपनी घरवाली के कंगन गिरवी रख के उसे पैसे दिए थे साहब, कल ही देता हूँ कहा था, 4 दिन निकल गए लेकिन अभी तक नहीं दिया साहब। अरे रे, ये तो बहुत गलत है, बीवी की बात है ना? मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, उसके कंगन ना मिलने की वजह से मेरी बीवी रूट के मैके चली गई है साहब। मैं जाके किसको सुनाऊं साहब अपना दुखड़ा? अब यूं समझ लीजिए कि हम दोनों दोस्त हैं साहब। अब आपका नाम क्या है साहब? नाम में क्या रखा है, तुम्हारा दोस्त का नाम क्या है? मेरा दोस्त का नाम तो श्यामलाल ही समझो। अबे श्याम के बच्चे, चल ये बता तूने मुझसे कितने पैसे लिए? 10,000। कब लौटाने वाला था बे? 2 दिनों में। मैंने तुझे वो रुपए किस तरह से दिए थे? अपनी बीवी के कंगन गिरवी रख के। अब ये बता रुपए लिए कितने दिन हो गए? 4 दिन से भी ज्यादा हो गए। 4 दिन के बाद भी पैसे नहीं लौटा, ये शराफत है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल, तूने मुझे आखिर क्या समझ रखा? हाँ पूछो, क्या ये गलत नहीं है? बिल्कुल गलत, पागल की तरह बात कर रहा, अभी बताइए। अच्छा अच्छा, रुको रुको, शांत हो जाओ, बात मेरी समझ में आ गई, पैसे दे। करो भाई पैसे दे। अरे दरअसल आप बात नहीं समझ रहे। समझ गया, सब समझ गया मैं, चल पैसा निकाल। ऐसा नहीं है, अरे बात डिस्कशन की जरूरत नहीं, मैं समझ गया, इसने बीवी के कंगन गिरवी रख के तुझे पैसे दिए, इसके पैसे वापस कर। क्या? अरे ऐसा नहीं है, अश्नी राम कहानी बंद कर, चुपचाप इसके पैसे वापस कर दे। किस पैसे के बारे में बात कर रहे हो? मैं बात करता हूँ, तुझे शर्म नहीं आती इसके पैसे क्यों नहीं देता? अरे तुम बात नहीं समझ रहे हो, इसने अपनी बीवी के कंगन गिरवी रख के तुझे पैसे दिए, पैसे वापस दे इसके। अरे बेसिकली क्या बात है, आप समझ नहीं रहे हो। बेसिकली क्या भाव में चुपचाप इसके पैसे निकाल रहे हो, उठा रहे हो तुम? मेरी खोपड़ी घूमे उससे। क्या हुआ जीनियस, क्या हो रहा है? अरे तुम नहीं समझ रहे हो, बात ये है कि इसने, रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अरे उसे बोलने ना, तू ना, तू चुप रह। बेसिकली मैं जब मैं बता रहा हूँ, तू बीच में पूछ रहा है। तुम दोनों में से कोई एक आदमी कहो ना। सुनिए मैं बताता हूँ, इसने बीवी के कंगन गिरवी रख के अपनी दोस्ती निभाने के लिए इसे पैसे दिए, काफी दिन हो गए लेकिन साला पैसा वापस नहीं करा। रुको, ओए वो नहीं है। अरे इसने जो कहा आपने जो सुना, 4 दिन हो गए इसे पैसे क्यों नहीं देता? अरे मेरे बाप, ये क्या बात करता है? अरे सुनिए साहब, अबे आप बोलने को क्या है? ए भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। क्या आवाज सुनिए, तुम सोनू निगम हो या उदित नारायण हो, तुम्हारी आवाज सुनिए। अरे आप भी, अरे चुप, मेरी बात सुनिए,
खाना खा रहे हो या गू खा रहे हो? जो पैसा लिया उसे वापस करना नहीं जाता? वो नहीं हूं वापस जी। करना क्या वो मैं नहीं हूँ? ये कोई और नहीं है, हमारे कॉलेज में ही काम करता है, बेवकूफ है। कौन सा पैसा देता है धोखा खा लेता है। पैसे दिए बने उसे जाने मत देना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार। तू कहाँ चला? पैसा निकाल, पैसा निकाल। कैसा पैसा? चुपचाप पैसा निकाल। अरे मैं क्यों दो? अबे अरे भाई साहब से क्यों बुलाता है? पैसा निकाल, पैसा निकाल। चुपचाप पैसा निकाल दे वरना तेरी हड्डी फट के खा बोला चला गया। पैसा निकालता है कि नहीं? निकाल पैसा। मुझसे गलती हो गई साहब। एक दे दूंगा, गलती हो गई कहता है? बेवकूफ कहीं का, सबको अपनी तरह शरीफ समझता है। बीवी का कंगन गिरवी रख के पैसा देता है। कल कोई त्योहार आया तो वो क्या पहनेगी? जा मेरे सामने से, तू मेरे अंडर काम करता है, सोच के मुझे शर्म आती है। जा। इतने लोगों ने मेरी पिटाई की, किसी ने तो कहा होता आखिर मैंने किया क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, खेल अभी बाकी है। बिना इंजन का गाड़ी चला रहा था ना, अब तेरे बॉडी में इंजन नहीं रहेगा, देख। हाय। हाय। देखो सपना, मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, उसका जो भी सही आंसर दे देगा उसे मेरी तरफ से ट्रीट है। पूछो। ये बताओ, सुहागरात को पलंग के पास दूध का ग्लास क्यों रखा जाता है? अगर दूल्हे मियाँ ने कुछ नहीं किया तो उसका सिर फोड़ने के लिए। और फिर हमारे हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन को अंगूर और एप्पल ही खिलाते हुए दिखाते हैं, ऐसा क्यों है बोलो? नारियल या कटहल खिलाओगी तो वो थोड़ी ना खा सकती है, इसलिए। शैलजा, बोलते हैं कि हम सब बंदर की वंशज हैं, क्या ये सच है? तुम्हारी बात मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने माँ बाप के वंश की हूँ। ओके बाय। सपना, मुझे एक और छोटा सा डाउट है। हेलो, आई एम रवि। हाय, आई एम शैलजा। आपको मैं पहली बार हम लोग मिल रहे हैं। आपको मुझसे क्या काम है? काम तो नहीं है। नहीं, मैं चलती हूँ। रुकिए ना। है तो बोलो। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शांति देर में फिल्म देखने गया था, तब मेरे फ्रेंड्स ने आपके बारे में। मेरे बारे में? तुम्हारे फ्रेंड्स? अक्षर राय, युक्ता मुखी और प्रियंका चोपड़ा आपके सामने बेकार है। और उसके बाद लूसंग की वजह से बहुत सारे बातें कही और मैं फंस गया। इंटरेस्टिंग, क्या कहा? कैसे फंस गए? जब मेरे फ्रेंड्स आपकी तारीफ कर रहे थे तो मैंने स्टाइल से कहा कि मैं आपको एलकेजी से जानता हूँ। मैं उन लोगों को उल्लू बनाना चाहता था, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे। ओके, तुम्हारी फ्रेंड्स को यकीन दिलाने के लिए हमें क्लोज फ्रेंड्स की तरह एक्टिंग करनी होगी, यही ना? हाँ हाँ, करेक्ट। और कुछ नहीं, आपको बाइक में बिठा के मैं उनके सामने स्टाइल से जाना चाहता हूँ। मुझे 5,000 रुपए मिल जाएंगे। वो कैसे? बेवकूफ लोग, मुझसे शर्त लगाइए। बोलिए, आप चलेंगी ना? ओके, मैं चलूंगी, लेकिन 5,000 का मैटर ही खटक रहा है। मैं वो पैसे नहीं लेने वाला, अनाथ आश्रम को डोनेट करने वाला हूँ। गुड, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में जो सच्चाई है इसका एहसास है, इस वजह से मैं आ रही हूँ। ओके ओके, थैंक्स। अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन एलकेजी के जमाने से नहीं, सिर्फ आज से। ओके मंजूर है। अक्सर, हाँ, सारे बिल मेरे नाम पर लिखना। ठीक है। अबे लाला, तेरा अगर बच्चा हो जाए तो क्या नाम रखेगा? क्या नाम रखूंगा? लल्ला, लाला का लाल, लल्ला। अगर लड़की हुई तो? लाला की लल्ली। अच्छा, हाँ। ये बता, अगर दोनों के बीच में हुआ तो क्या नाम रखेगा? आदरा, तेरा नाम रखूंगा। वो अपना रवि है। हाँ वही है। हाँ रवि है। ए अक्सर, एक और कॉक। हाय यार। हाय रवि। हाय हाय, कैसे हो यार? ए रवि, तू शैलजा को जानता है? कौन शैलजा? वही यार जिसे तू अभी बाइक में ड्रॉप करके आया। मैंने बाइक में किसी को ड्रॉप किया? ए तूने किसी और को देखा होगा, गलतफहमी हो गई है। अरे बहाना मत कर, अब छोड़ना यार ये बात। ओके रवि, मैं चलता हूं। बाय, यू टेक केयर। ओके यार, बाय बाय बाय। ठीक है यार, ठीक है यार, बाद में मिलते हैं। ए तू अभी शैलजा को ही ड्रॉप करके आ रहा है ना? तो चंद्रमोहन के सामने क्यों इनकार कर रहा था? ए, अपने दोस्त का काम आ सकूं इसलिए एक नए काम किया है मैंने। वो क्या है बताता हूँ, आजा। गीता।
क्या हुआ? बाहर एक लफंगा था जो मेरी चुन्नी खींच रहा था, एक थप्पड़ लगाया सीधा हो गया। सॉलिड आइटम थी यार, सोचा कि दुपट्टा खींचूंगा तो वो फिसल कर मेरे ऊपर आके गिर जाएगी। छह, तेरी वजह से कोई और उस लड़की से थप्पड़ खा गया। देख लिया, हमें किसी ने छेड़ लिया सोचकर, जोश में आने से पहले पल भर के लिए ठंडे दिमाग से सोच समझ कर काम लिया होता तो किसी बेकसूर को ठेस नहीं पहुंची होती। सो सॉरी, गलती हो गई। गलती करने के बाद एक छोटा सा लफ्ज सॉरी, बस हमारा काम हो गया। लेकिन लेकिन सामने वाले पर क्या गुजरती होगी तुमने कभी सोचा है? खैर चलो, मैं बाद में आ जाऊंगा। अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी, अरे अरे हाउ आर यू? आप यहाँ कैसे? इस दुकान का मालिक मेरे दोस्त हैं, उनसे मिलने आया था मैं, वो बाहर गए हुए हैं। एंड इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। लगता है आपने वो नजारा देख लिया। कोई बात नहीं, इन्होंने मुझे गलत समझा, अब असलियत का पता चला तो सारे गिले शिकवे खत्म। सच बोलिए, इस पर आप गुस्सा नहीं है ना? जब थप्पड़ पड़ा तब पल भर के लिए गुस्सा हो गया था, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लिया। हेलो, कहाँ खो गई? ग्रेट, आपके सब्र की मैं दाग देती हूँ। मतलब आप भी थप्पड़ मारेंगे? छी छी, नहीं। आपके जैसे सभी लोग अपने जज्बातों पर काबू करते तो कितने मुसीबतों से बच सकते हैं। मैं इस तारीफ का हकदार नहीं हूँ, इसका हकदार है मेरा दोस्त चंद्रमोहन शर्मा। चंद्रमोहन शर्मा? यस, पहले मैं भी जज्बाती हुआ करता था, अगर घर पे वक्त पे खाना नहीं मिलता तो प्लेट उठा के फेंक देता था, लेकिन आजकल उसे दोस्ती करने के बाद अपने अंदर के कमजोरियों को मैले कपड़े की तरह फेंक चुका हूँ मैं। ये बात है। आप एक बात जानती हैं? हमारे कॉलेज के सभी लोगों के लिए वो एक हीरो है। इज इट? वाकई उनमें इतनी ग्रेटनेस है क्या? अब सुनिए वो किस हद तक ग्रेट है। सर, सर, फौरन उस लड़की को भर्ती कीजिए सर, इसे इसी वक्त इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करना होगा। क्या क्या कहा? इतना इरेस्पॉन्सिबल क्यों है? इतना खून बह रहा है, दिखता नहीं क्या? ए, क्या है, चिल्लाता क्यों है? ये हॉस्पिटल है, साइलेंस। वहाँ पेशेंट मर रही है, तू पान पराग खा के साइलेंस कहता है, बदतमीज। ये एक्सीडेंट केस है, पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कराओ, बाद में इधर एडमिट करेंगे। तब तक उस लड़की की जान चली जाएगी, जानता है? चाहती है तो जाने दे, यहाँ हजारों मरीज आते हैं, मरते भी है, एक और मर गई तो क्या फर्क पड़ता है? इसी हालत में तेरी माँ या तेरी बेटी होती तब तुझे पता चलता। चल। डॉक्टर! What happened? डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज उसे बचाइए सर, सर बेचारी मर रही है सर, सर प्लीज कुछ कीजिए, उसे बचाइए सर प्लीज। इट्स ओके। वैसे इस लड़की के तुम क्या लगते हो? उसी के जैसा एक इंसान हूँ सर, सड़क पर एक्सीडेंट होके पड़ी थी इसीलिए उठा के लाया सर। असल में ये लड़की कौन है मैं नहीं जानता सर, अगर कल कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं जवाब दूंगा सर। ओके। हमारी फॉर्मेलिटीज को हमें पूरा करना होगा ना, अगर कल इसे कुछ हुआ तो कानून को हमें जवाब देना सर, पड़ेगा। रूल्स और फॉर्मेलिटीज वगैरह इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है, हमसे कानून है सर, कानून से हम नहीं सर। इसकी इसकी जान बचाने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है सर। सर प्लीज इस लड़की को किसी भी तरह बचाइए सर, अगर इसे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी सर। सर आई एम चंद्रमोहन शर्मा, सन ऑफ जयराम शर्मा, हाउस नंबर 54, सिविल लाइंस। ओके, कूल डाउन। आप अपने डिटेल्स रिसेप्शन पे लिखवा दीजिए। कम ऑन, फॉरन इस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। Oh.
डॉक्टर रिपोर्ट्स। हाउ इज शी? शी इज ऑल राइट डॉक्टर। अरे ये लड़की जीके की बेटी है ना, मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट जीके साहब की बेटी। हाँ हेलो जीके, आप फौरन मेरे हॉस्पिटल में आ जाइए। आइए बताता हूं। क्या बात है, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? आपकी बेटी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? घबराने की कोई बात नहीं, शी इज आउट ऑफ डेंजर। अच्छा बेटी की शादी कर दी, हमें बताया तक नहीं। शादी? कैसी शादी, किसकी शादी? सुजाता मां बनने वाली है। ये कैसे हुआ? रात को यूं ही अचानक कंट्रोल खो दिया और एक्सीडेंट हो गया डैडी। मैं पूछ रहा हूँ तेरी कोक में जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में। वो एक्सीडेंट करने वाला कौन है बताओ? मेरे सवाल का जवाब तुम्हारे आंसू नहीं। मुझसे गलती हो गई डैडी। गलती सुधार सकती हो, कौन है वो? उसका नाम चंद्रमोहन है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस ये काफी है मेरे लिए। मोहन शर्मा, सन ऑफ जयराम शर्मा, हाउस नंबर 54, सिविल लाइन। आपको कौन चाहिए? यहाँ चंद्रमोहन शर्मा कौन है? मेरा बेटा है। उसे बुलाइए। उसने क्या किया इंस्पेक्टर साहब? आपके बेटे के आने से पता चलेगा, बुलाइए। चंद्रा, ए चंद्रा। हाँ बाबू जी। तुझसे मिलने को इंस्पेक्टर आए हैं। कहिए सर। तुम ही चंद्रमोहन शर्मा हो? जी हाँ सर। जी के साहब ने तुम्हें इसी वक्त बुला लाने के लिए बोला है। जी के साहब? वो कौन है? सुजाता के पिता। जाता? वो कौन है? देखो चंद्रमोहन शर्मा, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे आगे एक सुनहरा भविष्य है, उसे बेवजह ठोकर मत मारो। सर दरअसल आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चंद्रमोहन शर्मा जेके साहब की बेटी सुजाता से प्यार करके उसे गर्भवती बना के चुपचाप हॉस्पिटल में एडमिट कराने से तुम बच जाओगे? कौन स्पीक आउट। सर रात को किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, उसे मैंने ही ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। अब आपके कहने से मुझे पता चला कि उसका नाम सुजाता है। सर अब वो लड़की कैसी है? सर नाउ शी इज ऑल राइट। थैंक गॉड। तुम्हारा उस लड़की से कोई संबंध नहीं? नहीं सर। जी के साहब बात क्या है बोलो। वो आपकी बेटी को पहचानने से इनकार कर रहा। जब मैंने आपका नाम लिया तो आपको भी नहीं पहचानता। तो उसे फौरन मेरी पहचान दो। ओके। सिर्फ एक बार मैंने आपकी बेटी के साथ बुरा सलूक किया और मैं उसे शादी करने के लिए तैयार हूँ कह देते तो तुम्हारा यह हाल ना होता। मुझे नहीं पहचानता कहा, चलो मान लिया। मेरी बेटी के साथ अय्याशी करके उसे पहचानने से इनकार करते हो तो मैं तुझे छोड़ूंगा। सर मैं अभी कह रहा हूँ आपकी बेटी कौन है मैं नहीं जानता। तू इस तरह नहीं मानेगा। Oh
अदालत में ये साबित हो चुका है कि ये दोनों माँ बेटी व्याभिचारी हैं। इसलिए सेपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक फॉर वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट सेक्शन 3 के तहत इन दोनों को 5,000 रुपए का जुर्माना भरने की सजा दी जाती है। तुझे क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अगर तू उस एक्सीडेंट में मर गई होती तो 2-3 दिन आंसू बहा के तेरा क्रियाक्रम करके तुझे भूल जाता। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन शादी से पहले माँ बनना तो गुनाह है। तेरे साथ अय्याशी करके तुझे पहचानने से इनकार कर रहा है तो उस गुनहगार को मैं क्या करूं? डैडी, वो चंद्रमोहन। खामोश, फिर कभी उसका नाम लिया तो तुझे मार डालूंगा। डैडी, मेरे डैडी के सामने ना सिर्फ तुमने मुझे पहचानने से इनकार किया बल्कि उनकी बेइज्जती भी की थी। तुमसे प्यार के इस बात पे मुझे शर्म आती है। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, फौरन इसे यहाँ से बाहर निकालिए। इस आदमी पे भरोसा किया, प्यार किया, उसका अच्छा सबक मिल गया मुझे। सुजाता, तुमने इससे प्यार किया है तो फिर वो चंद्रमोहन? महेंद्र, नहीं जानता कहने वाले उस मासूम को हमने बहुत टॉर्चर किया है। सचमुच चंद्रमोहन कुछ नहीं जानता है, उसे छोड़ दो। सर आइए, देखिए सर, मेरी माँ है सर, माँ। बचपन में मेरी माँ ने मुझे जो संस्कार सिखाया उसकी वजह से ही सड़क पर खून से लथपथ पड़ी आपकी बेटी की जान जान बचानी चाहिए। वो देखिए मेरे पिताजी सर, पिताजी मेरे पिताजी से मिली इंसानियत की वजह से ही मैंने आपकी बेटी को हॉस्पिटल पहुंचाया। देखिए सर, ये मेरी बहन है सर, मेरी बहन से मिले प्रेम और अनुराग की वजह से ही आपकी बेटी को मरने के लिए छोड़े बिना मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश की। जो कुछ भी मैंने किया उसके बदले में आपने मुझे अच्छा सिला दिया सर, बहुत अच्छा सिला दिया, अच्छा सिला। चंद्रमोहन, आई नहीं, अब आप कुछ मत बोलिए। अरे आप पल भर के लिए भी सोच लेते, सच्चाई जान लेते तो आज मुझे
आज मुझे इन तीनों लाशों का बोझ ढोने की जरूरत नहीं होती। मैं अनाथ होकर आपके सामने खड़ा नहीं होता, अनाथ नहीं होता। चले जाइए, चले जाइए। अब आप एक पल भी यहां रुके तो आपके टुकड़े टुकड़े करके मैं अपने परिवार वालों के साथ आपका भी अंतिम संस्कार कर दूंगा। चले जाइए। आपको मारने से मेरे अपने वापस तो नहीं आएंगे ना? मेरी तरह आपके बच्चे भी अनाथ ना हो जाए इसलिए आपको जिंदा छोड़ रहा हूं। चले जाइए। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। चले जाइए, जाइए। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। के माँ बाप और लाडली बहन को हमेशा हमेशा के लिए उसे दूर करने वाला वो कमीना जब उसके सामने आया तब उसकी जान बख्श देने की इंसानियत, संस्कार और रहम को अपने दिल में रखने वाला महान व्यक्ति है हमारा चंद्रमोहन शर्मा। I am proud to be his friend। रवि, चंद्रमोहन शर्मा से मुझे एक बार मिलाइए ना प्लीज। अरे मिलाने की बात छोड़िए, मैं उसे आपकी दोस्ती करा देता हूँ। थैंक यू। वो ऊपर वाला किसे, कब और क्यों मिलाता है ये हम नहीं जानते, लेकिन आपसे मिलाया और आपके जरिए चंद्रमोहन शर्मा से मिलने वाली हूँ, इसके लिए उस ईश्वर की हाथ जोड़कर मैं वंदना करती हूँ। अरे आप इतनी जज्बाती क्यों हो रही हैं? ये कौन सी बड़ी बात है? रोज नए नए दोस्तों से मिलते हैं ना, ऐसे ही मिलेंगे, दैट्स ऑल। नो रवि नो, हर कहानी में जैसे मोड़ होता है वैसे ही हर एक की जिंदगी में भी मोड़ होता है। अरे बापरे, लगता है आप किसी हसीन मोड़ पे मुड़ने वाली हैं। मैंने मुड़ने वाला? कल ठीक 10 बजे आप नेहरू पार्क में आ जाइए, वहाँ चंद्रमोहन शर्मा से मैं आपको मिला देता हूँ। ओके। हेलो, अब चले क्या? चलो। हाय रवि। हाय। यही चंद्रा है ना? या। हाय। हाय। शैलजा। रवि तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, इट्स रियली ग्रेट। तुम जैसे एक अच्छे आदमी से मुलाकात करने की वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी अपना फ्रेंड समझो। व्हाई नॉट। अप्रैल फूल, आज अप्रैल फर्स्ट है। He is not Mr. Chandra, he is Darpok Rana। गुजरेगी पता नहीं, इसलिए ये बात हम दोनों के बीच ही रहे। ओके प्लीज रवि। ठीक है, सी यू देन, बाय बाय। तू क्या खूब है, लाखों में से एक मेरा महबूब है, कितना प्यारा लगता है तू क्या खूब है। अरे तुमको जो पाया सारी दुनिया को पाया है, परियों जैसी मेरी दिलरुबा। मेरी जाने तमन्ना, खुशियां ही खुशियां मेरे जीवन में जब से तू आया। दिल भी
மனம் ஐயையோ ஐயையோ होती जैसे हीरिया आँखों में तेरी मेरा आशिया मीठा सा चुम्मा मुझे गाजरा तुम पिन जाने मन अब जीना है मुश्किल अपने सीने से मुझको तू लगा हलचल मची है तमन्ना जवा है जब से जाने जब तुमसे दिल लगा चुपचाप जेब से लव लेटर निकाल लव लेटर लव लेटर कुछ नहीं है चल फटो यहाँ से लव लेटर नहीं है बोल के मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है तेरे थोबड़े से पता चल रहा है कि तू लव में फंस गया की बातें मत करो जाओ यहाँ से मुझे जाने के लिए कह रहा है इधर देख प्यार नहीं करता तो फूलों से दोस्ती क्यों कर रहा है इन फूलों में तुम्हारी शक्ल नजर आ रही है मेरे साथ मजाक कर रहा है बदमाश मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई चले चले चलो चल रवि ने कुछ जरूरी बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था आखिर क्या बात हो सकती है और वो कहीं नजर भी नहीं आ रहा है अरे शैलजा हाय शैलजा शैलजा और रवि क्यों मिल रहे हैं खैर आने के बाद खुद ही बताएगा मैं वहां आ रहा हूं तुम वहीं रुको कम वेट वेट संभल के तुम सही हो आज तो मिलाओगे ना के हार्ट बीट लगातार ऑब्जर्व करते रहना yes, और ठीक आधे घंटे के बाद ये इंजेक्शन दे देना okay, exactly 2:30 बजे ये दवाइयाँ दे देना जी और क्लिनिकल लैब से इनके सारे रिपोर्ट्स मंगवा लेना okay, डॉक्टर और कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो मुझे फौरन इत्तला कर देना करूंगी डॉक्टर समझ गई ना समझ गई डॉक्टर अब ये कैसा है आउट ऑफ डेंजर पेशेंट को होश आने में थोड़ा टाइम लगेगा वैसे आप कौन है मैं इसकी फ्रेंड हूँ पेशेंट के साथ कोई रहेगा तो बेहतर होगा इसके रूममेट्स को इन्फॉर्म करती हूँ पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है सिस्टर इसका जरा ध्यान रखिए प्लीज ठीक है थैंक यू
रवि डिस्टर्ब मत कीजिए। अब ये कैसा है? इसके सर पर चोट लगी है, होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप इसके दोस्त हैं? हाँ सिस्टर। पेशेंट के साथ कोई रहेगा तो अच्छा है, आप इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए। सिस्टर कौन चाहिए तुम्हें? रवि के सारे दोस्त कहाँ गए? प्रकाश की बहन की शादी के लिए सब लोग गांव गए हुए हैं। लौटने पर कुछ कहना है क्या? नहीं कुछ नहीं, रवि का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ओफो, उसकी हालत अब कैसी है? अब वो ठीक है, गांधी हॉस्पिटल में एडमिट है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो लोग आएंगे तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं कर दूंगी। थैंक यू। ठीक है। नहीं कुछ और। शैलजा तुम यहाँ ज्वेलरी सेलेक्ट करो, मैं वहाँ सारी सेलेक्ट करती हूँ। ए गहने पहनने वाली तुम हो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम खुद ही सेलेक्ट कर लो। ओके। ए तुम्हारी टेस्ट में जानती हूँ, तुम जो भी सिलेक्ट करोगी अच्छा ही होगा। ओके। ओफो, क्या करूं? शैलजा कमान यार मोहन, आज किसी भी तरह इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए। कमान 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 कमान। नमस्ते जी, बहुत पुराना स्टाइल है। हाय। बहुत ज्यादा ही वेस्टर्न हो गया, क्या करूं यार, क्या करूं। हाय आई एम मोहन। हाय आई एम शैलजा। यहां तक कमाल कर दिया मोहन, कम ऑन आगे बढ़ो, प्रोसीड। भगवान भगवान भगवान। इलाहाबाद का नहीं, इलाहाबाद का हूँ। अरे इलाहाबाद हो या मुरादाबाद, लेकिन तुम हो मेरे दामाद। मेरी बेटी से शादी करके तुम कहाँ लापता हो गए? तुम्हारी बेटी बेचारी कितनी परेशान होगी, तुम्हारी मेरी बेटी काम नहीं, काम आग्नि में जल रही है। अरे कुछ तो सोचो, तरस खाओ उस बेचारी पर, उस दिन रात उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, तुम्हारी याद में हर वक्त तुम्हारा याद करती रहती है। मुझे छोड़ दो यार, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं यार, प्लीज। से तो डरो, मुझे चले गई, चली गई। देखो तुम मेरे दामाद हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ प्रेम और से परेशान हूं। ए किसने मारा क्या? मैंने क्या, मैंने क्या क्या अरे फट। मोहन मोहन, अरे गड़बड़ हो गया यार। ए जीनेस भाई, टेंशन में क्यों हो? प्यार के लिए मर मिटने से पहले प्यार करना सीखो।
हाँ, चांदनी बिल्कुल सच कह रही है, मोहब्बत को छुपाना नहीं चाहिए। हाँ, चंद्रकला ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, प्यार को दिल में छुपा के रखना नहीं चाहिए। मैं शैलजा से प्यार करता हूं, मुझे जल्द ही अपने प्यार का इजहार करना होगा, नहीं तो नुकसान मेरा ही होगा। I'm Mohan, रवि का दोस्त। ओह, आइए ना। थैंक्स। प्लीज कम। सर, आप क्या लेंगे? कॉफी, चाय? नहीं, कुछ नहीं। आपसे कुछ पर्सनल बातें करने आया हूँ। तो कीजिए ना, यहाँ कोई नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं, कहीं बाहर चल के बात करते हैं ना, प्लीज। चलिए, हम बाहर भी आ गए। आप तो कहिए। आप, मैं, आप, हाँ मैं, आगे? मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। किस बात पर? कई बातों पर। Your way of talking, your way of thinking, everything, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Thank you, thanks for your compliments। ये बताने के लिए आप इतनी दूर मुझे लेके आए? Yes, yes, I mean, no, मुझे एक जरूरी बात करनी है। अरे रे, वही सुनने के लिए तो मैं आई हूँ, बोलिए। No, जब से मैंने आपको देखा। What is this? आज ही तो आप मुझे देख रहे हैं ना? मैं तो आपको बहुत पहले से जानता हूँ शैलजा। लेकिन मैंने तो आपको आज ही देखा। पता है मैंने आपको कहाँ कहाँ देखा है? पहली बार आपको मैंने बस में देखा। बस में? लेकिन आपने मुझे नहीं देखा। उस दिन आपके कमर पे। मेरी कमर? आपके कमर पे किसी लड़के ने हाथ लगाया, तब आपने उसे जो सबक सिखाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन से एक मैं प्यार नहीं कहूंगा, एक एडमिरेशन जाग उठा है। सिर्फ एडमिरेशन ही है ना? नहीं, वैसे सिर्फ एडमिरेशन ही नहीं, लव से मिला जुला एक एप्रिसिएशन भी। उस दिन से आप मुझे अक्सर डिस्टर्ब करती ही रहती हैं। मैं आपको? नो, आप मने आप नहीं, आपकी यादें, आपकी आंखें, आपकी बातें मुझे डिस्टर्ब करती रहती हैं। मैं जहां भी जाऊं, कुछ भी करूं, आप एक सरगम बन के मेरे जहन में गूंजती रहती हैं, मेरे धड़कन में, मेरी सांसों में, हर पल, हर लम्हा, हर वक्त आप समाई हुई हैं। इसलिए मैंने आज फैसला किया है कि आपसे सारी बात कह दूं। मैं शैलजा, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। आई लव यू। मिस्टर मोहन, अपने मन की बात आपने कह दी, मुझे अपने मन से पूछने के लिए कम से कम एक दिन तो चाहिए ना। कल इसी टाइम यहीं पर मैं अपने मन की बात कह दूंगी, लेकिन मेरा जवाब कुछ भी हो, आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके? ओके। मैं चलती हूँ। मिस्टर मोहन, अपने मन की बात आपने कह दी, लेकिन मुझे अपने मन से पूछने के लिए कम से कम एक दिन तो चाहिए ना। कल इसी टाइम यहीं पर अपने मन की बात कह दूंगी। अब्बा, शैलजा से आई लव यू मैंने सपने में कहा? माँ कहा करती थी कि अक्सर सुबह का सपना सच हो जाता है। यस। शैलजा, जल्दी मंदिर से बाहर आ जा, टेंशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
अरे ये क्या, शैलजा मेरे पास ही आ रही है। मेरे मन की बात वो समझ गई क्या? हाय, आई एम शैलजा। हाय, आई एम मोहन। आप कौन है मैं नहीं जानती। इफ यू डोंट माइंड, आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? कुछ गुंडे हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हैं। अरे आप उन्हें मत देखें, उन्हें पता ना चले कि मैं आपसे उनके बारे में बोल रही हूँ। इन गुंडों ने एक हफ्ते से मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, किसी न किसी बहाने से इनसे अपना पीछा छुड़ाती आ रही हूँ। लोगों को इकट्ठा करके या पुलिस में कंप्लेन करके मैं इन्हें सबक सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मुझे क्या करना होगा? जस्ट हम प्यार करने वालों की तरह बातें करेंगे तो हम दोनों प्यार करने वाले हैं सोचकर चले जाएंगे। बस मैं यही चाहती हूँ। 10 मिनट हम दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर लवर्स की तरह बातें करते हैं रोमांटिकली। ओके, थैंक यू। मैं आपसे कुछ पूछूंगी, आप गलत नहीं समझेंगे ना? पूछे शैलजा। हमारे बात करने का अंदाज देख के उस गैंग वाले को यहाँ से भाग जाना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन कैसे? देखिए, आप और मैं पिछले 3 सालों से गहरी मोहब्बत में हैं, ऐसा सोचिए। ओके शैलजा, सोचिए कि आज के दिन किसी भी हालत में मुझे आई लव यू कहने का आप पहले से ही फैसला करके यहाँ पे आ गए हैं। शैलजा। यस मोहन, आपने फैसला कर लिया है। जैसे ही मैं सामने आ गई तो दिल से बेझिझक आई लव यू शैलजा ऐसा बोलना है प्लीज। शैलजा, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तब से मैं तुम्हें चाहने लगा। बाद में धीरे धीरे वो चाहत मोहब्बत बन गई। वो मोहब्बत आज ख्वाब बने हकीकत की तरह, या हकीकत बने ख्वाब की तरह, तुम बनके मेरे रूबरू आ गई। तुम ख्वाब हो या हकीकत मैं ये भी नहीं जानता। अरे बोलिए ना। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू। ए, लगता है यहाँ अपनी दाल नहीं गलने वाली है, चलो। सुपर्ब। पता है मोहन, उन लोगों ने सर्टिफिकेट दिया कि मुझसे आप बरसों से मोहब्बत करते आ रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस के लिए हैट्स ऑफ। आप जो बात नहीं जानते वो मैं कह दूं? यही बात आप किसी भी लड़की से बोलेंगे तो बस वो चाहे कोई भी हो आप पर फिदा हो जाएगी, ये मैं लिख के देती हूँ। मोहन, यू नो, आपकी आंखों में मैं आपके मासूम दिल को देख रही हूँ। इसमें जो भी बसेगी वो खुश नसीब होगी। जो कुछ भी हुआ सब हमारे अच्छे के लिए हुआ। उन गुंडों के पीछा करने की वजह से आज मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है। ओके मोहन, थैंक यू फॉर गेटिंग रिड ऑफ देम। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, एंड कल हम डेफिनेटली सबवे में मिल रहे हैं। ओके, टेक केयर, सी यू। मटेरियल बहुत सॉलिड है। हाँ, अच्छा है जी। फिनिशिंग भी अच्छा है। अरे अरे अरे, क्या प्लास्टिक का सामान बेच रहे हो क्या? ये कितने में? तुम? ए भाई, उस दिन ऐसे ही चले गए, उसके बाद मेरी कितनी धुनाई हुई जानते हो? मेरी सुनने वाला एक भी नहीं था वहाँ पे। हाँ साहब, आप सही कह रहे हैं, लोग आपकी बात तो सुन रहे थे लेकिन आपने पूरी बात कही ही नहीं। ये बात ठीक क्या? फिर वो सॉरी साहब, आपकी बहुत पिटाई हो गई। कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्या कर रहे हो? देखो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, आखिर आदमी ही आदमी के काम आता है ना? तो है ना? अरे अरे, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, अच्छे बच्चे नहीं रोते। क्या हुआ बताओ? फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे आप। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकता। क्या हुआ बताओ ना। हाँ बताओ। मेरी तो इकलौती बहन है साहब, वो किसी से प्यार करने लगी। वो लड़का पहले शादीशुदा था साहब, 5 लाख दहेज मांग रहा था साहब। मैंने अपना घर गिरवी रखा, उसे 5 लाख दहेज में दिया साहब। फूलों की तरह रखूंगा, बोलने वाला उसे मारता पीटता और यातनाएं देता। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, अपना दुखड़ा मैं किसको जाकर सुनाऊं साहब? मैं हूँ ना, मुझे सुना। जो रकम मांगा मैंने दिया ना। हाँ, मैंने मानी ना। हाँ मानी। क्या वादा किया था मुझसे? फूलों की तरह रखूंगा। दूसरी शादी जान के भी मैंने अपनी बहन की। शादी शुदा है जान के भी, इसके बावजूद भी उसे मारता पीटता, क्या शराब? नहीं, क्या हुआ भाई, क्या बात है? बात यह है, तुम रुको मैं बताता हूँ। आप इसी के मुझसे सुन, पहले से दुखी हो तुम, अपना दुख कैसे सुनाओगे? बात यूँ समझ लीजिए, मैं इसका दोस्त हूँ, मैं इसकी बहन से प्यार करता था। हम दोनों इसके पास गए, इसके बहन
बहन ने इसको बताया कि हम दोनों प्यार करते हैं, जबकि मैं पहले से ही शादीशुदा था। ये जानकर भी इसने अपनी बहन को कोई तकलीफ ना हो ये सोच के मुझे 5 लाख रुपए दहेज में दिए और अपनी बहन से मेरी शादी करा दी। मैंने क्या किया, मैंने वादा किया था ना फूलों की तरह रखूंगा, आप समझ रहे हैं ना। उसके बाद शादी होने के दूसरे दिन से ही शराब पी करके उसे पीटने लगा। आप मुझे क्यों पीट रहे हैं? तुमने उसे क्यों पीटा? पीटा तुमने अपनी बीवी को नहीं पीटा? ऐसा नहीं लगता। अरे चुप, तुमने उससे 5 लाख रुपए लिए कि नहीं? लिया तो है, लिया था, लेकिन दहेज लेता है। तुमने उस लड़की से प्यार किया कि नहीं? प्यार किया था। प्यार करके पीटे हो? नहीं सुनेंगे आप। अरे ये क्या बात सुनने की बात करता है तू? अब ये बता, तू उसे फूलों की तरह रखेगा, उसके भाई से वादा किया था कि नहीं? वादा किया था, माने का ठेका लेके आया हूं। कौन देता है? कौन है? कौन है? मेरी धर्म पत्नी। क्यों बहन, तुम्हें अक्ल नहीं? क्यों बे, देवी जैसी धर्म पत्नी के होते हुए दूसरी शादी किया तूने? तू कितना कमीना है, बदमाश। तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट गया। तेरा घर टूट गया क्या? तेरी दूसरी शादी मैंने करवाई थी। दूसरी शादी कब की? अरे फिर सब क्या है? भाइयों सज्जनों, सिर्फ नजारा मत देखो, मेरा हाथ बताओ। अपने आपको जीने समझते हो? शादीशुदा आदमी से अपनी बहन की शादी करवा दी। चल चल जा, चल। यहाँ का लीची संडे बहुत मशहूर है। एनीथिंग स्पेशल? यहाँ लीची संडे खाने वाले पहले अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बाद में प्यार भी करने लगते हैं। आहा, उसके बाद? और उसके बाद शादी भी कर लेते हैं। क्या ऑर्डर करें? आप ही ने तो कहा था कि लीची संडे खाने से क्लोज फ्रेंड्स हो जाएंगे। तो यही ऑर्डर कीजिए। परसों मेरे बर्थडे के दिन भी मैं यही ऑर्डर करूंगी। मतलब तुम्हारे बर्थडे पार्टी में जाने कितने लोग दोस्त बन जाएंगे, जाने कितने प्यार करने लगेंगे और जाने कितने शादी कर बैठेंगे। फिलहाल क्या हम लीची संडे खा सकते हैं? ओह श्योर। क्या चाहिए आपको? 6 आइसक्रीम दे दो जी। सब आपके लिए? मेरे लिए नहीं, प्रिंसिपल साहब की भैंस के लिए। प्रिंसिपल साहब की भैंस? वो भैंस पाल रहे हैं क्या? पाल नहीं रहे भाई, ब्याह कर लाए हैं। ब्याह कर लाए हैं, उन्हें कोई औरत नहीं मिली? कॉमेडी कर रहे हो? नहीं, ट्रेजेडी कर रहा हूँ। हम दोनों भैंस छोड़कर काम पे आ जाते हैं। सारे के सारे एक साथ पैक कर। ओके सर। ए 6 आइसक्रीम पैक कर दो जल्दी से। ये तो अपनी वो डोनेशन वाली लड़की है, यही मौका है। मोहन को खबर करता हूँ कि लड़की यहीं पे है। हेलो। अच्छी हो ना? मैं हूँ जीनियस, शास्त्री इंजीनियर कॉलेज का अटेंडेंट। ओ सॉरी सॉरी, मुझे याद नहीं रहा। कोई बात नहीं मैडम, आप मेरी एक मदद करेंगी? बोलिए। कुछ नहीं, 5-10 मिनट तक आप यहीं पे बैठी रहेंगी। मैं आधा घंटा यहाँ पर बैठूं तो कोई ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन करने वालों को मैं यहाँ से रिजेक्ट कर दूंगा। आप यहीं पे बैठ जाइएगा, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। मैडम का ख्याल रखना। ओए मैं अभी आता हूँ। वाओ मोहन, मोहन पता नहीं कहाँ गया होगा, अब कहाँ ढूंढूं? कैसा है? जब जरूरत हो तो मिलेगा नहीं, बाद में उसने नहीं देखा क्या रोना शुरू कर देगा। मोहन। ओह अभी भी बैठी हुई है। एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड, आप यहाँ 20 मिनट और वेट करेंगी? 20 सेकंड भी नहीं रुकूंगी। मत रुके, गलती मेरी है, बेवजह किसी से प्रॉमिस कर लिया, अब पता नहीं कहाँ चला गया, मैं उसे कहाँ ढूंढूं। आइसक्रीम पैक कर दी है सर। आ रहा हूँ। सर सर चेंज लीजिए, आपका चेंज। आखिर वो गया कहाँ होगा? बाय शैलजा। बाय मोहन, परसों मेरे बर्थडे पर तुम जरूर आ रहे हो। जरूर आऊंगा। बाय बाय। जीनेस भाई, तुम? जीनेस भाई क्यों इस तरह गिर रहे हो? इस तरह का क्या मतलब, गिरने के भी अलग अलग तरीके होते होंगे। अरे बाप रे, जीनेस है ना। जीनेस क्या तेल लेने। ये बता कब से तुझे मैं ढूंढता फिर रहा हूँ, तू गया कहाँ था? किस लिए? इसलिए कि वो फीस भरने वाली लड़की अभी अभी यहीं पे बैठी हुई थी, तुझे दिखाना चाह रहा था। आप भी ना जीनेस भाई, मैं 1 घंटे से यहीं पर हूँ। 1 घंटे से तू यहीं पे था? लगता आजकल मैं आंखों से अंधा हो गया हूँ। पता चला ना। हाँ चले, चलते हैं। चलो चल। थैंक यू। नमस्ते सर।
रीनू एंड रक्षना, कन्वे में रिगार्ड्स। हाय मोहन। हाय। इतनी देर क्यों कर दिया? I've been waiting for you. Many many happy returns of the day, Shailja. Thank you so much. तुम्हारा आना ही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये सब किस लिए? ये कोई मामूली गिफ्ट नहीं है। Really? Wow! The lovely flowers. I just can't believe this. Hey, just help me now. Thank you, Mohan. Thank you very much. मोहन, मेरे जन्मदिन पर इतने सारे फूल एक साथ तोहफे के रूप में मुझे मिलेंगे, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। It's lovely, it's great, it's wonderful. फूलों से नजदीकी रिश्ता है, इसका मतलब आप किसी से प्यार करते हो, है ना? हाँ करता हूँ। ए, कौन है वो लकी गर्ल? वो लड़की यहीं पर है। यहीं पर? कौन है दिखाओ? शर्माओ मत, प्लीज। आओ, दिखाता हूँ। अनीता मैं अभी आई, चलो। मोहन, कहाँ है वो लड़की? यहाँ तो कोई नहीं है। शैलजा, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। मोहन? हाँ शैलजा, उसी लड़की से मैं प्यार करता हूँ। मोहन, वन थिंग, तुमने अपने दिल की बात खुलकर बता दी, लेकिन लेकिन मैं हर जन्मदिन पर कोई फैसला लिया करती हूँ। वैसे ही इस जन्मदिन पर भी मैंने फैसला लिया है। कैसा फैसला? कि मैं किसी से शादी करूंगी। I'm sorry, मोहन, तुम अगर मुझसे पहले ही मिलते तो शायद मैं ये फैसला नहीं लेती, लेकिन लेकिन अब अपने दिल में किसी और को मैं बसा चुकी हूँ। समझने की कोशिश करो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे जज्बातों को समझ सकते हो। प्लीज मोहन। Sorry once again. Hi everybody. Hi. Thanks for coming. Oh, that's how it's going. You had your dinner? Yeah. तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो. Oh, come on. हाँ, क्यों नहीं? तुमने ये रस्ते में तरफ किया? चलो उस तरफ चलते हैं। सॉरी मोहन, तुम अगर मुझसे पहले ही मिलते तो शायद मैं ये फैसला नहीं लेती, लेकिन लेकिन अब अपने दिल में किसी और को मैं बसा चुकी हूँ। समझने की कोशिश करो। ए रवि, कम से कम हमें तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। अरे छोड़ो ना यार, तुम लोग वहां शादी में बिजी होंगे इसलिए इन्फॉर्म करके परेशान नहीं करना चाहता था। ये बता, बहन की शादी कैसे रही? बहुत अच्छी हुई यार। हाँ यार, अपने मोहन साहब नजर नहीं आ रहे। क्या बात कर रहे हो यार, हमारे लौटने के बाद रूम में भी नहीं आया, सोचा तुम्हारे साथ होगा। ए, फौरन से ढूंढ के ला यार, मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है, प्लीज। चलता हूँ रवि। ठीक है रवि, हम चलते हैं। ओके। तुम्हारी बहन की शादी में मोहन और रवि नहीं आए इसलिए हम अफसोस कर रहे थे। हाँ यार, लेकिन हमें क्या पता था कि उनके साथ ऐसा हुआ। साहब, आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है। खुशी का माहौल बिगड़ न जाए इसीलिए शायद हमें एक्सीडेंट की खबर नहीं दी होगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह मोहन कहाँ चला गया, पता नहीं उसे अब कहाँ जाके ढूंढूं। हाय। हाय शैलजा। आई विश यू अ वेरी फास्ट रिकवरी। थैंक यू। तुम्हारी बर्थडे पार्टी कैसी रही? बहुत अच्छी रही। रवि, हर जन्मदिन पर मैं एक नया फैसला लिया करती हूँ, वैसे इस जन्मदिन पर मैंने क्या फैसला लिया है जानते हो? क्या है बोलो। तुम्हारे दोस्त चंद्रमोहन को अगर ऐतराज न हो तो। हाँ, ऐतराज ना हो तो हाँ, उनसे शादी करने का। हाँ, वाकई? हाँ?
आई लव यू। मस्त मस्त लड़की तू सुनो परी, जहां से भी मुझको तो लगे प्यारी। मस्त मस्त लड़का तू सबसे न्यारा, जान से भी तू मुझको लगे प्यारा। जो भी मेरे पास है सब कुछ तो तेरा है, नींद गई चैन गया कैसा लुटेरा है। प्यास जगा दो तो क्या करे कोई, प्यास बुझा दो बात है वो ही। मस्त मस्त लड़की तू सो परी, मस्त मस्त लड़का तू सबसे न्यारा। झुला दो आजा तुझे सहला दो, होले 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 होले। मस्त मस्त लड़की तू सो परी, जान से भी तू मुझको लागे प्यारा। नहीं शैलजा नहीं, तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। मेरा फैसला सुनकर तुम्हें खुशी होगी ये मैं जानती थी। शैलजा अब मुझे पता चल रहा है शैलजा तुमसे दोस्ती करके मैंने कितना नेक काम किया है। आई नो रवि। शैलजा जिससे शादी करने वाली है वो रवि है। रवि मुझे माफ करना यार, हकीकत जाने बिना ही। All the best. मोहन, अरे ये क्या, तुम मेरी तारीफ पे तारीफ किए जा रही हो? और नहीं तो क्या, इंसानों के जज्बातों को तुम इतनी अच्छी तरह से समझ लेते हो, ये तुम्हारी ग्रेटनेस नहीं तो और क्या? मोहन, तुमने आई लव यू कहा और मैंने सॉरी कहा,
तुम हर्ट हो जाओगे, बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे सोचा, बट इट वॉज अ सरप्राइज, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट्स वाई मैंने कहा कि तुम ग्रेट हो। आमतौर पर 99% लड़के के इनकार करते ही गुस्सा करते हैं, कुछ देवदास बन जाते हैं, कोई हाथ की नस को काट लेते हैं, कुछ लोग बदले की भावना में उस लड़की को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन तुम में ऐसा कोई बदलाव नहीं है। आंखों में वही दोस्ती, वही मुस्कान। आई जस्ट कांट इवन इमेजिन, इस कदर नॉर्मली इस तरह पेश आते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? चलो उस तरफ। देखो शैलजा, लव एट फर्स्ट साइट में यकीन ना रखने वाला मैं, जैसे ही पहली बार तुम्हें देखा तब जाना कि मोहब्बत क्या चीज है। तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहो, इस वजह से मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी बनाना चाहा, इसलिए तुमसे आई लव यू कहा और तुमने सॉरी कहा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए ये जरूरी तो नहीं कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। तुमने इनकार किया इसलिए मैं भला डिस्टर्ब क्यों हो जाऊँ? हम दोनों के दरमियान ये खूबसूरत दोस्ती जो है उसे मैं बेवजह क्यों मिटा दूँ? आई लव यू कहने से पहले हम दोनों जितने गहरे दोस्त थे वो दोस्ती हम दोनों के दरमियान आज भी कायम है। हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। That's all. God, you're a gem of a person, and that's why you're Mohan. Let's go. इस बारिश में तुम्हारे साथ भीगते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा है। चढ़ती जवानी तेरी चाल दानी। Oh my God. Hey, चल बे। आजा. आजा मोहन, आजा, आजा, नहीं मोहन, लगता है उसका सर फिर गया है। मोहन, मोहन नहीं मोहन, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, चलो चलो मोहन, पागल लोग हैं, कोई काम नहीं है उनको। चलो चलते। ये क्या मोहन, ऐसे छोटी सी बात को लेकर इतनी बेरहमी से मारा? देखो, जुल्म करने से भी ज्यादा जुल्म को बर्दाश्त करना गुनाह है। पर इतना गुस्सा, प्लीज चले। चलेगा ये ऐसे हमारे साथ भेजेगा है? कहाँ चलना है बोल, चल आ जा।
इसे छेड़ा, इसे छेड़ा, आइंदा इस लड़की को छेड़ा तो। लड़की के आसपास भी नजर आए तो जान से मत। क्या है, क्या है, क्या है? तू वही पढ़ा रहा है, वही पढ़ा रहे तू। मार दूँ बस। क्या है, क्या कुछ बोलना चाहता है? चल। तुझे क्या चाहिए था? लड़की चाहिए? लड़की? तू भी छेड़ रहा था ना? तू भी? और तू क्या चाहिए? मुझे मारना है, मारना है, नहीं मारना है। भाग यहाँ से, भाग, भाग, मारा जाएगा वरना। चल भाग, भाग। आज के बाद किसी भी लड़की को देखा तो मैं आंखें फोड़ डालूंगा तुम लोगों की। सिर्फ तुम्हारी ही बात नहीं है शर्जा, किसी भी लड़की को ये छेड़ते तो मैं ऐसे ही मारता। मोहन चले, चलो। अरे बाप रे, क्या मारते साले। एक बात जानती हो, सिर्फ मैंने ही नहीं, उन्होंने भी मुझे खूब मारा। अरे बेटा मोहन, मोहन खूब पिट गए, अब रेस्ट कर लो। गुप्ता मेडिकल जानते हो? नहीं मालूम। गुप्ता मेडिकल नहीं जानते हो? कैसे नहीं वाले हो? अरे जरा ये एड्रेस बता दीजिए। तुम? नमस्ते साहब, आ गए, आइए। फिर देर किस बात की, शुरू कीजिए अपना दुखड़ा, शुरू कीजिए ना।
तुम्हारी बहन को मैंने टॉर्चर किया, तुम्हारा 5 लाख रुपया खा लिया, फलाना किया, धमाका किया, लोगों को बुलाओ, इकट्ठा करो। अरे कोई क्यों नहीं आए अभी तक? आइए जनाब। अरे आ गए जनाब, आज इस सफारी में आप छा रहे हैं। अरे उस दिन आपने दूसरी नहीं फट जाएगी, रंग बदल दिया क्या? आपकी क्या बात है सर, ये कमीज आपकी है या भाड़े की है? अरे आइए आइए, आपको कोई दूसरा काम नहीं है ना? मुझे जैसे मासूम को सब लोग मिलके धो डालिए, आपको अकल नहीं है, आपको कॉमन सेंस नहीं है। सर सर, पब्लिक प्लेस में इस तरह हंगामा मत कीजिए सर, पुलिस आएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। किसे पुलिस की धमकी दे रहे हो? मैं पुलिस के नाम से नहीं डरता हूँ। बुलाओ, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाओ। क्या करेंगे मैं भी? पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेबल काफी है। कांस्टेबल क्या बिगाड़ेगा मेरा? एक बंडल बीड़ी उसके सामने फेंक दूंगा तो कुत्ता बनकर मेरा चल जाएगा। बुलाओ, कांस्टेबल से तो निपट लोगे, ऐसे ऐसे कैसे निपटोगे? ऐसे ही बुलाओ, ऐसे ही इंस्पेक्टर, ESP, छोड़ो ESP, किसी को भी बुलाओ। चैलेंज करता हूँ, कुछ नहीं उखाड़ सकते मेरा। अरे सुनो सुनो, तुम्हारे पीछे पुलिस डिपार्टमेंट है, क्या पूरा पुलिस डिपार्टमेंट करेगी? डिपार्टमेंट मेरा, मेरे सामने आए तो भी कुछ नहीं कर सकती। अरे क्या कर सकती है? इतनी जोर से मत चिल्लाओ, बाद में जमानत भी नहीं मिलेगी तुम्हें। जमानत किसको चाहिए? अबे छोड़ो, पुलिस का नाम सुनते ही डर के मारे कांपते हो, पतलून गीली करूंगा, सोचा मैं उनमें से नहीं हुआ? कौन है बे? सब सुन रहा था साहब। साहब मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, पुलिस के डंडे की कसम मैं पुलिस की इज्जत करता हूँ। पहले से मेरा बीपी चढ़ा हुआ था, ऊपर से इन लोगों ने मुझे चढ़ाया। सर ये असली जिम्मेदार ये लोग हैं। ये कौन लोग? गलती हो गई साहब, आइंदा कभी नहीं करूंगा। हेलो शैलजा। गुड मॉर्निंग अंकल, हाउ आर यू? कल तुम्हें हमारे कॉलेज के फेयरवेल फंक्शन में आना होगा। कल? कल तो मैं नथिंग डूइंग, कल जो भी प्रोग्राम हो कैंसिल करो, तुम्हारा मैं इंतजार करूंगा। ओके मैं जरूर आऊंगी अंकल। हाय हाय शैलजा। हे रवि, आई डोंट बिलीव दिस, व्हाट अ सरप्राइज। कम शैलजा, प्लीज कम इनसाइड, सिट डाउन। कंग्रेट्स शैलजा। ओह ये सारे फूल मेरे लिए? ओह थैंक यू थैंक यू। बोलो कैसे आना हुआ? कुछ नहीं चल जा, तुम्हारे फूलों के बीच एक छोटा सा टेस्ट रखना चाहता हूँ। मेरे और फूलों के बीच टेस्ट? व्हाट रवि, आखिर बात क्या है? मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात सुन के तुम खुशबूदार लिली बन जाती हो, खिलता हुआ कमल बन जाती हो या शर्म से लाल हुआ गुलाब बन जाती हो, देखना चाहता हूँ मैं। ये क्या रवि, अपनी बात को सस्पेंस में रख के मेरी जान ले रहे हो, प्लीज टेल मी नो। तुम दिलो जान से प्यार करने वाले हमारे चंद्रमोहन शर्मा। क्या चंद्रमोहन शर्मा, व्हाट हैपेंड? तुम उसे मन मंदिर में बिठा के उसकी पूजा करती हो तो वो तुम्हें देवी मान के तुम्हारी आराधना करता है। वाओ, चंद्रमोहन शर्मा मेरी आराधना करते हैं? या श्योर, डेफिनेटली। वो जागते हुए सोते हुए हर पल तुम्हारी मोहब्बत पे खोया हुआ रहता है। रियली? लेकिन कभी उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की। रवि कम से कम तुम मुझे बता सकते थे ना? अगर पहले से बता दिया होता तो तुम्हारी बेसब्री और बेताबी हमें देखने को कैसे मिलती, इसी वजह से नहीं बताया। You cheat? अच्छा बताओ, वो मेरे बारे में और क्या क्या बोल रहे थे? मुझे सुनने से रूबरू से सुनना बेहतर होगा। रवि मुझे आज ही चंद्रमोहन शर्मा से मिलना है। I want to meet him today. नहीं अभी अभी immediately. Please रवि, please मुझे ले जाओ ना। वो होता तो आज उसे भी यहाँ साथ लेके आया होता, 3 दिन से वो गायब है और वो कहाँ है हमें से कोई नहीं जानता, हम उसे ढूंढ रहे हैं। hey, मुझे कुछ और सूझ रहा है, अपने परिवार वालों की बरसी होने की वजह से वो इलाहाबाद गया हो, ये भी तो मुमकिन है। इडियट गधे, पिछले 3 दिन से हम उसे ढूंढ रहे हैं और ये बात तू अभी बोल रहा है? सॉरी यार, मुझे अभी भी अकल नहीं। वेट 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 रवि, तुम लोग क्या करने वाले हो मैं नहीं जानती, लेकिन आने वाले शनिवार को मैं रेलवे स्टेशन में बुके के साथ इंतजार करूंगी, एंड दैट्स फाइनल। लेकिन हमें क्या करना होगा? तुम तीनों अभी इलाहाबाद जाके चंद्रमोहन शर्मा को ले आओगे, ओके? लेकिन कल अपने कॉलेज में फेयरवेल फंक्शन है तो हम कैसे जाएंगे? शट अप यूज़लेस फेलो, कल कॉलेज में होने वाला है दोस्तों के बिछड़ने का फंक्शन और हम जा रहे हैं दो प्रेमियों को मिलाने। देखना शैलजा की आंखों में अपने चंद्रमोहन का अक्स है, मेरे साथ चलो उसकी आंखों में शैलजा का अक्स देखते हैं। बाय शैलजा। बाय। आई मिस यू रवि, आई डू मिस यू श्वेता। कॉलेज का आखिरी दिन है, सोचा था मिलेंगे,
बट यू डिसअपॉइंटेड मी यार। अरे हाय यार। हाय हाय बबलू। हाय हाय। अरे हाय। अरे क्या हुआ, तुम लोग ऐसे खामोश क्यों बैठे हो? हमेशा हम हंसते खेलते रहते थे, अब इस बिछड़ने के वक्त पर क्या बात करूं समझ में नहीं आ रहा है। वो हंसी मजाक और शरारतें ये लम्हे दोबारा हमारी जिंदगी में आएंगे। अरे यार, बिछड़ने का ये मतलब तो नहीं कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। ये तुमने खूब कहा मोहन, फिर मिलेंगे सोचने से बिछड़ने का गम काफी हद तक हल्का हो जाएगा। अरे मोहन, वो नरेश गेट पर ही खड़ा है। बाहर खड़ा है, अंदर क्यों नहीं आता? अरे नहीं यार, वो कुछ गिल्टी फील कर रहा है। अरे चल। ए नरेश, तू अंदर क्यों नहीं आया? कुछ नहीं। ए, क्या हुआ बताना। मैं अपनी शक्ल तुझे कैसे दिखाऊं ये मैं नहीं जानता। यार नरेश, मारने वाले ये हाथ गले लगना भी जानते हैं, गाली देने वाली जुबान दुआ देना भी जानती है। आफ्टर ऑल हम सब इंसान हैं यार, हम में गुस्सा गिला शिकवा ये सब कॉमन है यार, तभी तो हम इंसान हैं। आ जाना यार। आ। यू आर ग्रेट मेरे दोस्त। आना यार। तू भी किस बात को लेकर बैठा था यार? वो देख मोहन, अपनी सीएल वाली। हाय मोहन। हाय अर्चना। अरे मेरी माँ सीएल, इतने साल मोहन सीएल कह के तुम हमारी जान खाती थी, कम से कम आज तो बता दो ये सीएल क्या है, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सच बात बताऊं, आजकल के लड़के लड़कियों को ऐसे देखते हैं जैसे उनकी आंखों में एक्सरे का लेंस हो, और कई लोग तो आंखों ही आंखों में रेप भी कर डालते हैं, लेकिन मोहन की आंखों में हमने शराफत इज्जत और दोस्ती देखी है, इसलिए मोहन के लुक्स का नाम हमने मोहन कॉम्प्लीमेंट्री लुक्स रखा, यानी मोहन सीएल। ओ अच्छा, सीएल मतलब कॉम्प्लीमेंट्री लुक है। वाह वाह, ये जानने से बेहतर होता मैं भटकते आत्मा बनकर घूमता रहता। विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ाई की तरफ ध्यान देना। अरे अच्छा, आजा आजा प्लीज। सर इतने साल आपको बहुत परेशान किया, अब गिरीश को दिल से निकाल कर हमें माफ कर दीजिए। क्या कर रहे हो तुम लोग, तो मेरे बच्चों की तरह हो, मैं तो ऐसे ही डांटता रहता हूँ। तुम हल्ला गुल्ला करते हो, मजाक करते रहते हो, लेकिन मैं अंदर से खुश होता रहता हूँ। तुम्हारी उम्र में मैं भी ऐसा ही था। कम ऑन। थैंक यू सर। कम ऑन। हेलो, कम ऑन, ऑल द बेस्ट। रजनीश भाई, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, आज इतने उदास क्यों? मोहन, सोच रहा हूँ मैं ये नौकरी छोड़ दूँ। वो क्यों जिनेश भाई? हाँ मोहन, हर साल कॉलेज में नए लड़कों का आना और चार साल तक उनके साथ हंसते खेलते रहना, ये सब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद वो जब चले जाते हैं तो इस दिल में बहुत दर्द होता है यार। यहाँ पे ये नौकरी करने के बजाय किसी सरकारी दफ्तर में काम कर लेना ही बेहतर है। जिनेश भाई। हाँ मोहन। ये क्या हम बच्चों जैसे? तुम लोगों से मैं कभी भी बिछड़ना नहीं चाहता। डियर स्टूडेंट्स, ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेशन कैन आई गिव यू वन सजेशन? कामयाबी के साथ आप लोगों ने पढ़ाई खत्म कर दी है, मुझे खुशी है। आप लोग एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, इसके लिए मन में दुख भी है। ऐसे कश्मकश के जज्बात से गुजरने वाली अनोखी घड़ी है ये। That's what I feel. Am I right? Yes, sir! जिस दरवाजे से आप आए थे उसी दरवाजे से जाने का वक्त है ये। जिन हाथों से हाय हाय कहा था उन्हीं हाथों से बाय बाय कहने का वक्त है ये। It's all right, क्योंकि ये inevitable है। कई नालायकों को जीनियस बनाने वाले इस कॉलेज के प्रिंसिपल होने के नाते मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। इस गेट से बाहर जाने वाले आप लोग सीधे बिल गेट्स के पास पहुंच जाएंगे। ओहो हो, कितनी रोमांचक घड़ी होगी वो। यहां से बाहर जाने वाले आप लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने रिसर्च जारी रखेंगे। ओह, दैट विल बी माय अल्टीमेट विक्ट्री। आपके प्रिंसिपल होने के नाते मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारे देश में चारों तरफ डर्टी पॉलिटिक्स हैं। जैसे माफिया लोग अपना इलाका बांटते हैं, जैसे जेब कतरे अपनी सड़क बांटते हैं, वैसे ही पॉलिटिशियंस अपने देश को लूटने के लिए बांट रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ जन्म लेकर पल बढ़कर पढ़ लिखकर इंद्रधनुष की तरह रंगीन तुम्हारा ये जीवन यहाँ के भ्रष्ट समाज में दबकर बेरंग हो जाए, ये मैं नहीं चाहता।
इंडिया में पैदा हुए अकलमंद हो तुम लोग। आई रिपीट, इंडिया में पैदा हुए अकलमंद हो तुम लोग। थिंक ओवर इट। अमेरिका के रॉकेट से स्पेस पे जाने वाली महिला सुनीता विलियम्स एक इंडियन है, गुजरात की है। माइक्रोबायोलॉजी के रिसर्च में आसमान को छूने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर राव इज फ्रॉम हैदराबाद। हाँ, आप लोग वहां जाके उनसे भी बड़ा मुकाम क्यों नहीं हासिल कर सकते? दैट्स माय पॉइंट। अगर आपको मेरी बात में दम लगता है तो कम ऑन, गेट योर वीसा रेडी फॉर अमेरिका। बट माइंड इट, योर इंटेलेक्चुअल्स डोंट बी इडियट्स, इसलिए गेट योर पासपोर्ट रेडी। नो सर। Do you hear me? Yeah! Ladies and gentlemen, do you love me? Yeah! Do you love your mummy and daddy? Why not? So that? Do you love Mother India? You too love India. Do you love Mother India? जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी है सुंदरम, इसकी रक्षा में कुर्बान है मेरा जान मन। एक भाव से एक प्यार से देखती है सबको, जन्म भी दिया बड़ा भी किया पाल पोस हमको। So that, what you say? I love my India, lovely mother India. अब तो मातृभूमि अपनी, स्वदेशी ये अपना, जन्मभूमि अपनी। यह भिन्न भिन्न के जाति धर्म और भाषाएं चलती, और भांति भांति के रीति रिवाजों की सरिता बहती। कल कल करती इसकी नदियां, झर झर झरते इसके झरने। यह अतिथि सेवा भगत की कुल परंपरा है, ये पुण्य भूमि है, पूर्व जन्म के पुण्यों से मिलती है। चरण धो रहे सागर इसके तिलक हिमालय ने किया, यहाँ जन्म लिया है तभी से मेरा जन्म हो गया। धन्यवाद धन्यवाद।
शैलजा, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तब से मैं तुम्हें चाहने लगा। बाद में धीरे धीरे वो चाहत मोहब्बत बन गई। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। I love you. तुम दिलो जान से प्यार करने वाले हमारे चंद्रमोहन शर्मा। क्या? चंद्रमोहन शर्मा? What happened? तुम उसे मन मंदिर में बिठा के उसकी पूजा करती हो तो वो तुम्हें देवी मान के तुम्हारी आराधना करता है। डियर फ्रेंड्स, माँ बाप और बहन की बरसी के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। सोचा तुम लोगों को भी साथ ले जाऊं, लेकिन तुम लोग यहाँ नहीं हो। फिर मिलेंगे। तुम्हारा मोहन। यात्रियों जरा ध्यान दीजिए, इलाहाबाद से आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस इलाहाबाद विल बी अराइविंग शॉर्टली ऑन प्लेटफॉर्म आने वाली है। एक्सक्यूज मी, दिल्ली एक्सप्रेस। मेरी माँ, मुझे बख्शो, ट्रेन को बख्शो। अब तक 50 बार पूछ चुकी हो। आएगी, जरूर आएगी, लालू जी की कसम आएगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज से मैं काम नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। अरे चले जा। तुम यहाँ कैसे? कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद जा रहा हूँ। सच बताओ मोहन, मेरी वजह से ही तुम शहर छोड़ के जा रहे हो ना? तुम्हें कितनी बार समझाऊं, वो बात तुम्हें कब का भूल चुका हूँ। उसका कोई शिकवा नहीं मुझे। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ कैसे? वो आ रहे हैं। वो माने? वही जिससे। ओ, अच्छा वो, इस वजह से तुम्हारा चेहरा खिला हुआ है। जाओ मोहन, तुम अपना सफर पोस्टपोन नहीं कर सकते? तुम भी उनसे मिल लेते। अरे मैंने उसे पहले से देख लिया है। वाओ, कब, कैसे? अभी अभी। कहाँ? तुम्हारी बेचैनी में, बेताबी में, बेसब्री में वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। धत, जाओ मोहन। ओके बाय शैलजा, बाय। ओके, सी यू। बाय मोहन, हैप्पी जर्नी। थैंक यू, बाय। ए, क्या हुआ? किसे सनाप करने के लिए आई हो? ए, वो देखो मोहन, मोहन, चंद्रा, मोहन, मोहन। जिस चंद्रा का तुमने जिक्र किया वही है। चंद्रा भी वही है, मोहन भी वही है, मोहन। चंद्रा मोहन शर्मा यही है क्या? हाँ वही है। चलो, ए मोहन, चंद्रा। चंद्रा, ए चंद्रा, मोहन। अरे मैं आ जाऊंगा ना, एक हफ्ते में लौट आऊंगा। अरे पक जा ना यार, उतर जा मोहन, उतर जा। ए रवि, एक हफ्ते में आ जाऊंगा यार, आ जाऊंगा मैं। रुक जाओ एक मिनट। अरे यार ऐसी भी क्या बात है, क्या हुआ तुम लोगों को? अरे पहले उतर जाना यार। ए रवि प्लीज यार, मुझे जाने दे। तुम दोनों को देख के गुस्से या जलन की वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ यार। ए तुम्हें और तुम्हारे प्यार को मैं सच्चे दिल से दुआ देता हूँ यार। सॉरी मोहन, मेरी वजह से इतनी सारी गलतफहमियां हो गई। ए शैलजा जिसे चाहती है, प्यार करती है, मोहब्बत करती है और दिल में बसा के पूजा करती है वो कोई और नहीं, कोई और नहीं यार, चंद्रमोहन शर्मा है। हाँ यार, तू जो कह रहा है, तू जो कह रहा है वो सच। हाँ मोहन, हाँ हाँ यार, वो तुमसे ही प्यार करती है।